फाइनली गाइस यहां पर हमारा जो क्रोमोसोनिक MP40 का जो रिडीम कोड है वो निकल के आ चुका है गरेना की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। यहां पे आप लोग देख लो कितना ज्यादा ये बढ़िया स्किन है। एंड गाइस मैंने सक्सेसफुली इसे क्लेम कर लिया। एंड सबसे बड़ी बात तो गाइस ये है, आप सभी बंदे भी इसे आज की वीडियो से क्लेम करने वाले अपने मेन आईडी में। एंड गाइस इसका जो रिडीम कोड था उसका यार जो एरर प्रॉब्लम आ रहा था पिछले वाले रिडीम कोड में वो भी अब सॉल्व हो चुका है और अब किसी बंदे का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। सबसे बड़ी बात तो गाइस ये है, ये रिडीम कोड पूरे के पूरे यार हमारे लिए 30 मई तक वैलिड है। जी हां गाइस लास्ट तक वैलिड है हमारे इस मंथ के। एंड आप लोग 30 मई तक इसे अपने मेन आईडी में ले पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड सच बताऊं तो गाइस मैंने भी इसे 2 आईडी में क्लेम करके देखा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एक मेरा इंडिया सर्वर का आईडी था, एक मेरा बांग्लादेश सर्वर का आईडी था। और गाइस ये बता दूं गाइस आपको ये कितने रिडीम कोड किन किन सर्वर के लिए निकल के आए तो गाइस वो बता देता हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। गाइस पहली बात तो ये रिडीम कोड 4 सर्वर के लिए निकल के आया। 4 सर्वर के आपको नेम बता देता हूँ गाइस। पहला सर्वर इंडिया सर्वर है, सेकंड सर्वर बांग्लादेश सर्वर है, एंड थर्ड सर्वर नेपाल सर्वर है, फोर्थ सर्वर है हमारा यहाँ पे पाकिस्तान सर्वर। जी हाँ गाइस इन 4 सर्वर में आप लोग सक्सेसफुली क्लेम कर पाओगे अपने मेन आईडी में क्रोमोसोनिक MP40 का स्किन। क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपका भाई आपको पूरा बताएगा कैसे आप लोग बिल्कुल रिडीम कोड को सक्सेसफुली एक्टिव करके रिडीम कर पाओगे। जी हाँ गाइस आप लोग बिल्कुल सही समझे, आज की वीडियो आपको गलती से भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग रिडीम कोड को कैसे एक्टिव कर पाओगे। क्योंकि कई सारे बंदे यार क्या करते हैं ना, वीडियो में जो रिडीम कोड मिलता है ना वो वीडियो के स्टार्टिंग से उसे क्लेम कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं, एंड उसके बाद डायरेक्ट चले आते हैं गूगल पर और पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फेलियर टू रिडीम आ जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो गाइस पहले आपको रिडीम कोड को एक्टिव करना होता है, एंड रिडीम कोड को एक्टिव करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है जो कि मैंने पर्सनली ऐड कराई है इस रिडीम कोड में। तो वो ये है गाइस, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करना होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस अब आप में से बहुत सारे बंदे ये सोच रहे होंगे कि यार ये रिक्वायरमेंट तो नकली होगी गाइस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिडीम कोड पर्सनली सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो इसलिए ये रिडीम कोड मैंने पर्सनली मतलब वो रिक्वायरमेंट रखवाई है। तो प्लीज़ आप लोग को यार इतना करना है कि रिक्वायरमेंट फॉलो करके रिडीम करना है, क्योंकि तभी आप लोग का जो रिडीम कोड है वो सक्सेसफुली एक्टिव होगा, वरना आपका इनवैलिड और एरर प्रॉब्लम शो हो सकता है। तो गाइस आप लोग से मेरी गुजारिश है यार रिक्वायरमेंट फॉलो करके रिडीम करना ताकि आप लोग को भी मिल जाए क्रोमोसोनिक MP40 आपके आईडी में।